YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। झारखंड राज्य में हो रही सरकारी विद्यालयों की विलय के विरोध स्वरूप पलामू जिला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्य के शिक्षा विभाग सचिव अमरेंद्र सिंह का डाल्टन के छवान चौक पर पुतला दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व संगठन के जिला संयोजक विनीत पांडे ने किया। इस अवसर पर संगठन सदस्यों ने सरकार के शिक्षा सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वशिक्षा अभियान के तहत देश भर की गांव-गांव में विद्यालय खोलकर सभी बच्चों को शिक्षित करने का सपना देखा था, लेकिन वर्तमान में राज्य के अधिकारी उनके सपनों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा एबीवीपी इसे कदई सहन नहीं करेगी। कहा रघुवर सरकार इस मसले को लेकर मौन साधना में है। सरकार विद्यालयों को मर्ज कराने की बजाय बच्चों की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करे। संगठन ने बंद हो चुकी विद्यालयों में पठन पाठन कार्य पुनः सुचारू रूप से चलाने की मांग करते हुए विद्यालयों को मर्ज न करने की तल्ख अंदाज में चेतावनी भी दी। पुतला दहन कार्यक्रम में कौशल किशोर, शकील अंसारी, विशाल कुमार यादव, परमानंद यादव और अमित तिवारी समेत कई लोगों ने भाग लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षा सचिव जो है उनका विरोध कर रही है। उन्होंने जो स्कूलों को जो विलय करने का काम किया है उसको लेकर के हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। ये छात्र हित में बहुत ही निंदनीय कदम है। हम लोग इसका जो छात्र स्कूल का जो विलय हो रहा है उसको लेकर के आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे। जो भी स्कूल अभी तक बंद किया गया है मैं उन मांग करता हूँ शिक्षा सचिव से उसे जल्द से जल्द खोलने का काम करें, नहीं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसकी कड़ी निंदा करते ही हुए कड़ा आंदोलन भी हम लोग करेंगे। आज क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि छोटे छोटे छात्र जो कि माध्यमिक विद्यालय के हैं वो उन्हें सड़क पर आना पड़ा, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। ये शिक्षा सचिव को जो अपना बयान है उसे वापस लेना होगा, नहीं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगी। विनीत पांडे, जिला संयोजक पलामू।